हेलो फ्रेंड, इस क्वेश्चन में दिया गया है, एक बोतल में 20 लीटर्स लिक्विड है, जिसमें से 4 लीटर्स लिक्विड ही बाहर निकाल लिया जाता है और सेम क्वांटिटी दैट मीन्स 4 लीटर्स लिक्विड भी डाल दिया जाता है। फिर से 4 लीटर्स मिक्सचर बाहर निकाला जाता है और सेम क्वांटिटी दैट मीन्स 4 लीटर्स लिक्विड भी डाला जाता है। अब इसके लिए हमें फाइंड करना है फाइनल मिक्सचर में लिक्विड ए एंड बी की क्वांटिटी का रेशियो क्या है। इस बोतल में 20 लीटर्स लिक्विड ए हैं और 4 लीटर्स लिक्विड ए बाहर निकाला जाता है। सेम क्वांटिटी लिक्विड बी की बोतल में डाली जाती है, इसलिए अब बोतल में बी 4 लीटर्स एंड ए 16 लीटर्स का मिक्सचर हो जाएगा। अब फिर से इस बोतल से 4 लीटर्स का मिक्सचर निकाला जाता है। सेम क्वांटिटी लिक्विड बी की डाली जाती है। फाइनल मिक्सर में हमें लिक्विड ए एंड बी की क्वांटिटी का रेशियो फाइंड करना है। अभी यहाँ पर ये तो क्लियर है, बॉटल में टोटल 20 लीटर्स का मिक्सचर है जिसमें लिक्विड ए एंड बी की अलग अलग क्वांटिटी नहीं पता है। और इसे फाइंड करने के लिए हमें ये फाइंड करना होगा कि जब 4 लीटर्स का मिक्सचर बाहर निकाला गया तब उसमें ए कितना था और बी कितना था। मिक्सचर निकालने से पहले बॉटल में ए 16 लीटर्स और बी 4 लीटर्स था। इसलिए ए एंड बी का रेशियो 16:4 हो जाएगा या फिर 4:1। इस रेशियो वाले मिक्सचर की 4 लीटर्स क्वांटिटी बाहर निकाली जाती है। इसलिए ए एंड बी के अलग अलग क्वांटिटीज फाइंड करने के लिए हमें इन रेशियोज में एक्स से मल्टीप्लाई करके ऐड करना होगा और ये समेशन 4 के इक्वल हो जाएगा। इसलिए एक्स इक्वल टू 4/5 आ जाएगा। एक्स की वैल्यू पुट करके यहाँ से ए की क्वांटिटी एंड यहाँ से बी की क्वांटिटी फाइंड हो जाएगी। इन फ्रैक्शंस को और सिंप्लीफाई किया जा सकता है। दैट मीन्स 4 लीटर्स के मिक्सचर में ए 3.2 लीटर्स था और बी 0.8 लीटर्स। इसलिए 16 लीटर्स में से जब 3.2 लीटर्स माइनस करेंगे तब ए की फाइनल क्वांटिटी और 4 में से जब 0.8 लीटर्स माइनस करेंगे तब बी की फाइनल क्वांटिटी फाइंड हो जाएगी। हमें यहाँ पर ध्यान रखना होगा जब मिक्सचर 4 लीटर्स का निकाला गया था उसके बाद बी 4 लीटर्स ऐड किया गया था, इसलिए बी की फाइनल क्वांटिटी फाइंड करने के लिए हमें इसमें 4 ऐड करना होगा और इसलिए अब बी की फाइनल क्वांटिटी 7.2 लीटर्स आ जाएगी। इसलिए फाइनल मिक्सर में लिक्विड ए एंड बी का रेशियो 69:9 का हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस को हम फार्मूले की हेल्प से भी कर सकते हैं। जैसे किसी कंटेनर में एक लिक्विड की एक्स क्वांटिटी है और इसमें से आर क्वांटिटी बाहर निकाला जाता है। अगर हम इस क्वेश्चन की वैल्यू से रिलेट कराएं तब ये एक्स हो जाएगा एंड ये आर। सेम क्वांटिटी दूसरे लिक्विड की डाली जाती है। अगली बार आर अमाउंट लिक्विड 1 एंड 2 के मिक्सचर का निकाला जाता है। सेम क्वांटिटी लिक्विड 2 की डाली जाती है। ये प्रोसेस एन टाइम्स रिपीट किया जाता है। तब इसके लिए हमें फाइंड करना है लास्ट में लिक्विड 1 की कितनी क्वांटिटी है। और ये क्वांटिटी फाइंड करने के लिए इनिशियल में एक्स की जितनी क्वांटिटी थी उसे 1 - r/x की पावर n से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्वेश्चन में दी गई वैल्यूज का इस फार्मूले में यूज करते हैं। इसलिए एक्स एफ एफ हो जाएगा एक्स 20 लीटर्स 1 - r की वैल्यू 4/20। क्वेश्चन में लिक्विड 2 टाइम्स रिप्लेस किया गया है इसलिए इनकी वैल्यू 2 हो जाएगी। इसलिए लिक्विड ए की फाइनल क्वांटिटी 64/5 आ जाएगी, क्योंकि जितनी क्वांटिटी बाहर निकाली जाती है उतनी ही क्वांटिटी बी की वापस डाल दी जाती है।
इसलिए बॉटल में फाइनल मिक्सर 20 लीटर्स का ही रहेगा। इसलिए बी की क्वांटिटी फाइंड करने के लिए 20 में से ए की फाइनल क्वांटिटी माइनस करना होगा। और यहाँ से भी रेशियो 69:9 आ रहा है, इसलिए आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा।